हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी आध्या। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड वो प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट सबको पता होगा, ये बायोटिक का बायोटिक प्योरीफाइंग फेस वॉश है। इस प्रोडक्ट का रिव्यू आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही वर्थ ही प्रोडक्ट है। अगर आपके स्किन के ऊपर पिंपल हो गए हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर लाइक एक्ने हो गए हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो गाइज़ ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट फेस वॉश है। क्योंकि गाइज मैं आप देख सकते हो मैंने इसे पूरा ख़त्म किया है, लाइक इतना सा मेरा रह गया है एंड इसे भी मैं ख़त्म करने वाली हूँ क्योंकि मुझे है ना 1-1.5 महीने पहले ना बहुत ही पिंपल्स हो गए थे, तो मैंने अपने लिए बाय किया है बिकॉज ऑफ मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि जब भी मुझे एक्ने और पिंपल की जिस तरह से प्रॉब्लम होती है ना, लाइक कब होती है मुझे, जब समर सीज़न आ जाता है या फिर मानसून सीज़न आता है, तब मुझे थोड़ी सी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ एंड अभी मैं इसे रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा जो प्रोडक्ट है काफ़ी ख़त्म हो गया है, मैंने पूरा इसे ख़त्म किया है एंड इतना ही मेरा बच गया है। आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसका रिव्यू आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये है बायोटिक का बायोनिम प्योरीफाइंग फेस वॉश एंड ये आपके पिंपल्स को प्रिवेंट करेगा एंड गाइज ये ऑल स्किन टाइप के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसे ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी यूज़ करने को नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर आप इसे यूज़ करते हो तो है ना कुछ देर बाद ना आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। लाइक मेरी जो स्किन है नॉर्मल तो ऑयली स्किन में आती है, लेकिन जब विंटर्स का सीज़न होता है ना गाइज तब ये आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऑयली स्किन वाला, जिनके ऑयली स्किन है ना उनके लिए बेस्ट है क्योंकि ऑयल आपके स्किन से जो एक्स्ट्रा सीबम होता है वो रिमूव करने में ये फेस वॉश बहुत ही हेल्प करता है। तो गाइज अगर हम इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो ये आयुर्वेदिक रेसिपी है। जो बायोटिक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आयुर्वेदिक होते हैं, नेचुरल होते हैं एंड ये 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। गाइज इसकी हम क्वांटिटी की बात करें तो 100 ml की इसकी क्वांटिटी है एंड आई गेस इसकी छोटी छोटी जो लाइक छोटी ट्यूब है वो भी मिलती है, वो 50 ml की लाइक होती है एंड 50 ml की आई गेस 60 या 50 rupees की होगी वो, मुझे इतना पता नहीं है, मैंने अपने लिए 100 ml की बाई की है। एंड चलिए बात करते हैं इसकी ये क्लेम क्या करता है। तो गाइज ये दिस अ फ्रेश फोमिंग 100% सोप फ्री एंड क्लिनजिंग जेल डिसॉल्व मेकअप प्योर पोर्स एंड प्योरीफाइंग द कॉम्प्लेक्शन। तो गाइज ये क्या करता है, इसमें 100% सोप फ्री क्लिनजिंग जेल है, ये आपके मेकअप को भी अच्छे तरह से रिमूव करता है, ये आपके पोर्स को भी अच्छे तरह से क्लीन करता है। अगर आपने आपके स्किन के ऊपर धूल मिट्टी पोल्यूशन है उसे भी प्योरीफाइंग करता है, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, तो यहाँ पर उन्होंने क्लेम किया है। गाइज यहाँ पर उनकी एक लाइन लिखी होती है, दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट हैज़ अ थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के साथ इनकी ये लाइन होती ही होती है। एंड गाइज हम इनकी की इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें बायोनीम, जैसे कि ये प्रोडक्ट की बायोनीम है, नीम है एंड इसमें बायोनीम, इसमें अश्वगंधा रूट, कलंजन रिंजों में नीम बार्क है, रिठा फ्रूट है, मधु कुछ है, कोकोनट ऑयल इसमें ऐड किया है एंड प्योरीफाइंग वाटर इसमें ऐड किया है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें नीम है, तो नीम आप सबको पता होगा नीम में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे स्किन से दूर मिट्टी पोल्यूशन को दूर तक करती है, लेकिन अगर हमें पिंपल्स हो गए, एक्ने हो गए तो उन्हें भी दूर करने में बहुत ही हेल्प करती है। तो ये फिर से पिंपल एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है। चलिए गाइस प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये 100 rupees का प्रोडक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, 100 rupees का प्रोडक्ट है एंड इसकी जो छोटी क्वांटिटी होगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी 50 या 55 rupees का वो प्रोडक्ट हो सकता है क्योंकि वो हाफ होता है, तो प्राइसिंग के हिसाब से ये हाफ ही होगा। तो बात करते हैं ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा बायोटिक के, यहाँ पे दिए आप देख सकते हो, ये बायोटिक के किसी इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे भी ये मिलेगा आपको, अमेजोन पे मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, पर्पल पे मिलेगा, नायका पे मिलेगा, तो आप आपके हिसाब से अगर आपको बाय करना है तो वो देख लो। हाँ, और इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अब मैं इसे आपको इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, उसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, मैं अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ ना मुझे ना बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल भी मेरी स्किन ड्राई नहीं करता एंड अच्छे तरह से मेरी स्किन को क्लीन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेमो, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपने बाल को टाई किया है एंड आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर बिल्कुल भी मेकअप
मेकअप कुछ भी नहीं है, जस्ट मैंने क्लिक टिप अप्लाई की है एंड मैं अभी से अप्लाई करके दिखा देती हूँ, इसका डेमो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ एंड ये जो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लो। सो गाइज, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लो, ये जेल फॉर्म में आता है एंड ये आप देख सकते हो फिसल भी रहा है, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है एंड ये देखो, ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये जेल फॉर्म में आता है, ये जेल फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे तरह से गीला कर लेती हूँ। मैंने अपने फेस को गीला कर दिया, अब मैं इसे आपको दिखा देती हूँ ये लेदर करता है कि नहीं, ये भी दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ इसके ऊपर एंड इसको इस तरह से रब कर दूँ। सो गाइस, बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर करना क्योंकि ऊपर कुछ पक्षी एंड बर्ड्स है, वो उनका कुछ चल रहा है, वो चल रहे हैं तो इसके लिए आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर कर देना। अब हम इसकी लेदर की बात करते हैं तो आप देखो इस तरह से ये फोम करता है, आप देख सकते हो इस तरह से इसकी इसका जो ये इस तरह से लेदर करता है, बहुत ही हद तक लेदर करता है। तो मैं इसे अब अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। गाइज, अगर हम इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी आपको हेडेक नहीं करेगी ये फ्रेग्रेंस। तो अच्छी तरह से मैं अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई करके 30 to 40 सेकेंड में अच्छे से मसाज करके एंड क्लीन कर रही हूँ अपने फेस को। कभी भी फेस वॉश आप अप्लाई करते हो ना गाइस, तो अच्छे तरह से उसे क्लीन करो, यानी कि अच्छे तरह से 30 या 40 सेकेंड आप अच्छे तरह से इसे इस तरह से मसाज कर लो एंड देन अपना फेस सनी बैंड के साथ वॉश कर लो। यहाँ पर मैं 30 सेकेंड अच्छे तरह से इसे मसाज करके अपने फेस को अच्छे तरह से क्लीन कर रही हूँ, आप देख सकते हो। फेस 30 सेकेंड मैंने अपने फेस की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली है। अब मैं अपना फेस ठंडे पानी के साथ वॉश कर लूँगी, वॉश करने के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखा देती हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है पानी के साथ एंड मैं अभी इसे ड्राई करके आपको दिखा। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी क्लीन लग रही है, क्लियर भी लग रही है एंड आप देख सकते हैं मैं इसे है ना 1 से 1.5 मंथ हो गए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं मेरे स्किन के ऊपर कहीं भी पिंपल्स भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही अच्छा आपको आपके स्किन को क्लीन करता है एंड आपके स्किन को बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं करता है, यानी कि ड्राई नहीं करता, सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है एंड आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी क्लीन लग रही है, बहुत ही एंड शाइन भी कर रही है। बहुत ही अच्छा ये फेस वॉश है, आप ज़रूर यूज़ करना अगर आपको पिंपल्स एंड एक्ने है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें नीम डाला है, क्योंकि नीम हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आपको अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने पिंपल है तो आप इसे ज़रूर ज़रूर यूज़ करना, मैं इसे हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। तो गाइस, ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करना क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही वर्थी प्रोडक्ट है। अगर आपके स्किन के ऊपर पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। ड्राई स्किन वाले के लिए मैं बिल्कुल भी इसे रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ड्राई स्किन वाले के लिए ये नई प्रोडक्ट है। मैंने एक प्रोडक्ट का रिव्यू डाला है, वो बायोटिक का हनी जेल फोमिंग फेस वॉश है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने उसका रिव्यू मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड कर दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपकी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करना, बहुत ही वर्थी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट एंड सजेशन हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।